नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अदिति क्रिएशन में। आज हम आपको कॉलर वाले ब्लाउज में बैक नेक डिजाइन बनाना बताएंगे। अगर डिजाइन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक से जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाइएगा। ये हमारा ब्लाउज का कपड़ा है और ये अस्तर है, तो हमें अस्तर पर ही डिजाइन का कटिंग करना है। ब्लाउज की लंबाई हमें 13.5 इंच रखना है, तो हमने यहाँ 15 इंच लंबाई रखे हैं। चौड़ाई हमने 10 इंच रखे हैं। आर्म होल 6.5 इंच है। शोल्डर 7 इंच है। अब गले की डिजाइन जो बनाएंगे, यहाँ से हमें जितना सिलाई करना है तो 1/2 इंच हम इतना गैप कर देंगे। गले की गहराई 10.5 इंच रखना है। यहाँ हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। इस निशान को यहाँ तक मिला लेंगे। इस निशान को इस तरह से लंबा लकीर खींच लेंगे। गले का निशान लगाएंगे हम यहाँ से, तो इस निशान से हमें यहाँ तक एक लंबा लकीर खींच लेंगे। यहाँ एक इस तरह से लकीर खींचेंगे और इसको इस तरह से हमें गोलाई में ले जाना है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमने गले की कटिंग कर ली है। कॉलर वाला ब्लाउज बनाएंगे तो यहाँ हमें 1/2 इंच के निशान लगाएंगे आर्म होल के पास, यहाँ ऊपर में, और इस निशान को इस तरह से लकीर खींचेंगे। इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमने गले और ये शोल्डर दोनों कटिंग कर दिए हैं। अब इसे हमें मेन कपड़े पे सिलाई कर लेना है। ये हमारा अस्तर है। इस तरह हमें मेन कपड़े पे रख के इस तरह से सिलाई करना है। तो सबसे पहले हमें गले पे सिलाई करना है। ये हमने गले पे सिलाई लगा लिया है। यहाँ अभी इस बीच के कपड़े को कटिंग करेंगे। यहाँ हमें कट का निशान लगाना है चारों तरफ। ये हमने कट का निशान लगा लिया है। अब इस गले को पलट लेंगे। अब इसके गले के किनारे पे हमें सिलाई कर लेना है। हमने गले के किनारे पे सिलाई लगा ली है। अब नीचे का सिलाई करेंगे। ये हमने नीचे एक सिलाई लगा ली है। अब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसके किनारे पे हमें सिलाई कर लेना है। चारों तरफ हमने सिलाई कर लिए हैं। अब इसके सेंटर में निशान लगा के कटिंग कर लेंगे। पीछे हुकाय लगाना है।
ये हमने बीच में कटिंग कर लिए हुकाई के लिए, इससे पहले हमें लैस लगा लेना है। इस तरह से ये लैस लगाएंगे। ये हमने लैस लगा लिए हैं, अब इसमें हुकाई लगाएंगे। इस तरह से इसको ज्वाइन कर लेंगे। ये हमने ये कपड़े ज्वाइन कर लिए हैं, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये हमने हुक का पट्टी बना लिए हैं, अब ये आई का पट्टी बनाएंगे। ये जो हमने हुकाई का पट्टी बना लिए हैं, अब कॉलर लगाने के लिए हमें सबसे पहले आगे का पल्ला ज्वाइंट कर लेंगे इसमें। अब हमें कॉलर बना के लगाना है, तो सबसे पहले हमें आगे का पल्ला इसमें ज्वाइंट कर लेना है। तो ये हमारा आगे का पल्ला है, ये हमने आगे का पल्ला ज्वाइंट कर लिया है। अब इस गले को नाप लेंगे, जो कितने पे हमें गला बोकरम कटिंग करना है। ये 10 है, 10 इंच का हमें बोकरम कटिंग करना है। 10 इंच का हमें बोकरम कटिंग करना है, तो हमें एक पॉइंट ज़्यादा रखना है कॉलर का, तो 5 इंच एक पॉइंट पे हमें निशान लगाना है। यहाँ आप चाहे तो बड़ा भी रख सकते हैं, तो हमें थोड़ा सा बड़ा रखना है, तो 2 पॉइंट कर देते हैं, 5 इंच 2 पॉइंट। यहाँ हमें 1 इंच पे निशान लगाएंगे, ये 1 इंच चौड़ाई पे हमें निशान लगा देना है। यहाँ से गोलाई कर देंगे। ये हमारा कॉलर कट गया है, अब इसमें हमें कपड़े ज्वाइंट कर लेना है। इसको इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है। इसको इस तरह से हमें फोल्ड कर लेंगे। इसके गोलाईपन से हमें सिलाई कर लेना है।
इसी तरह दूसरी तरफ भी हमें सिलाई कर लेना है। कपड़े को इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, सेंटर में निशान लगा लेंगे इस तरह से। इस तरह हमें इन दोनों को सेंटर मिला के ये हमने यहाँ निशान लगा लिया, इसका भी सेंटर मिला लेंगे। उल्टे तरफ से हमें बकरम कॉलर ज्वाइंट करना है इस तरह से, तो इसको इस तरह इन सेंटर को इस सेंटर को दोनों को मिला लेंगे। अगर बकरम बड़ा हो गया तो कोई बात नहीं, हमें यहाँ आगे बढ़ा सकते हैं। ये कपड़ा जो सिला हुआ है इसको अंदर करेंगे और इसको ऊपर करेंगे, इस तरह से हमें सिलाई करना है। इस कपड़े को मैंने अंदर कर दी हूँ और इस बकरम को ऊपर की हूँ, इस तरह से सिलाई करेंगे। कॉलर के किनारे पे ही सिलाई करना है। ये कॉलर इस तरह से जाएगा, ये हमारा कॉलर लग के तैयार हो चुका है। इस सिलाई को आप खोल सकते हैं बाद में। ये आगे से इस तरह से आएगा कॉलर और पीछे से इस तरह से आएगा। इस तरह से ये कॉलर लग के तैयार हो चुका है, ये डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो चुका है। हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा, और डिज़ाइन पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे।